दोस्तों चटपटी रसोई में आपका स्वागत है। आज चटपटी रसोई में हम बनाने जा रहे हैं तुरंत बनने वाली मूंग दाल बड़ी और पालक की सब्जी। इसके लिए मैंने ये एक कटोरी भर के दाल 2 घंटे के लिए भिगो दी थी और अब मैंने उसका पानी निकाल लिया है। देखिए पूरी अच्छे से दाल भीग गई है। अब हमें इसे पीसना है मिक्सी में, तो उसके पहले मैं इसमें काट लेती हूँ 2 हरी मिर्च, मैं इसमें कट कर रही हूँ, और एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा हम इसमें कट कर लेते हैं। सभी को मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड करेंगे। ये थोड़ी सी अदरक है, इसको भी मैं ऐसे छोटे पीस करके, इसको तुरंत बड़ी की सब्जी बोलते हैं, राजस्थान में बनाई जाती है और पालक के साथ जब ये बनाई जाती है तो बहुत ही टेस्टी लगती है और वहाँ पर बहुत मतलब अच्छी मानी जाती है ये सब्जी बनाना हरी सब्जी में, और है भी अच्छी टेस्टी लगती है। दाल तो है ही अच्छी, मूंग दाल की सब्जी हल्की भी होती है प्लस खाने में भी टेस्टी। तो हम इन सब चीज़ों को मिक्सर दाल में डालकर और ग्राइंड कर लेते हैं। दरदरा बनाना है हमें इसका पेस्ट, एकदम बारीक पेस्ट नहीं कर देना और मोटा भी नहीं रखना है। अभी मैं आपको करके बताती हूँ कि किस तरह का हम इसे तैयार करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे 1/4 टेबल स्पून नमक हम इसमें ऐड कर लेते हैं, तो मैं नमक ऐड कर देती हूँ इसके अंदर 1/4 टेबल स्पून, बस इतना हम नमक डालेंगे और अभी इसमें हम कुछ नहीं डालेंगे। बाकी मैं आपको आगे जैसे सब्जी बनाते मैं आपको बताती हूँ। तो पहले हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये इस टाइप का पेस्ट बनकर, इसका दरदरा पेस्ट मैंने बना लिया, ये इस टाइप का पेस्ट इसका बना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून बेसन, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 और 2, पहले 2 मिक्स कर लेते हैं। दाल जितनी ज्यादा सूखी हो उतना अच्छा है, आज मुझसे थोड़ा सा इसमें पानी ज्यादा रह गया है। हाफ टेबल स्पून में इसमें और डाल देती हूँ। अब ये मिलाकर हमने तैयार कर लिया है। अब देखिए मैंने एक पतीले में पानी गर्म होने के लिए रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हमें तुरंत बड़ी बनानी है। यहाँ मैंने पानी गरम किया है और इधर तब तक जब तक पानी गरम हो रहा था मैंने इसको अच्छे से ऐसे फेंट लिया है। तो अब हम इसके अंदर बड़ी डालना शुरू करते हैं। पानी हमें एकदम बॉईल कर लेना है, देखिए, ताकि वो बड़ी हमारी डलते ही बिखरे नहीं और बनकर ऊपर आ जाए। थोड़ा सा मैं इसको हल्का कर रही हूँ, थोड़ा सा मीडियम कर देती हूँ फ्लेम को ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। अगर हम टाइट रखेंगे दाल को तो और भी ज्यादा अच्छा रहता है। देखिए बढ़िया ऐसे ऊपर उठ के आ जाएंगी अपने आप, और अगर बाय चांस पतली हो जाती है तो फिर हमें बेसन इसके अंदर क्वांटिटी मिलानी पड़ती है अच्छी। अभी मैंने इसमें 3 टेबल स्पून मिलाया है, देखिए इस तरीके से हमें सारी बड़ियां इसके अंदर बना लेंगी। देखिए जो बॉईल एकदम डली है एकदम ऊपर आती जा रही है साइड में, आप देख पा रहे होंगे इजीली। एक बार पूरा बॉईल कर लेना है हमें पानी एकदम तेज, और उसके बाद मीडियम फ्लेम पर हम इसमें बड़ी डालते जाएंगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कर रही हूँ। जो बड़ी बनी है वो साइड में ऑटोमेटिकली ऐसे बनकर ऊपर आ गई है।
देखिए तो सारी मूंग दाल की बड़ी हमें जो बनानी है हम साइड करते जाएंगे और इसी में ही बनाते जाएंगे। चिपकने का कोई चक्कर नहीं है, कोई हमें फ्राई नहीं करना इसके अंदर। आप जरूर इसे ट्राई करिएगा, खाने में बहुत टेस्टी लगती है ये। तुरंत बड़ी की सब्जी से बोलते हैं। वहां पर क्या करते हैं, मसाला सीधा छौंक दिया, जैसे पापड़ की सब्जी बनाते हैं, जैसे भुजिया की सब्जी बनाते हैं, इस तरीके से पूरा मसाला छौंक दिया और फिर डायरेक्ट उसके अंदर मसाले के अंदर ही जितना पानी उनको तरी बनानी उतनी डालकर और उसी में ही बड़ी देना बनाना शुरू कर देते हैं वो। तो वो ये जो बन रहा है ये सारा उसका घोल बन जाता है अच्छा और बहुत टेस्टी लगती है। अब अगर बाय चांस क्या है कि हमारे को ज्यादा बनानी है बड़ी, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बॉईल करके फिर जो पहले बनी हुई बड़ी है उनको निकाल लेंगे ताकि स्पेस बन जाए। पानी मैं ज्यादा इसलिए नहीं ले रही हूँ इसके अंदर क्योंकि मैं आज पालक के साथ बनाऊंगी ये बड़ी, तो फिर पालक में भी पानी होता है और इस सब्जी को हमें तरी वाली नहीं करना है, हमें इसे थोड़ी तरी रखते हुए बनाना है। तो ये जो हो गई है इनको हम ऐसे निकाल लेंगे ताकि स्पेस बन जाएगा इसके अंदर। देखिए कितनी अच्छी बड़ी बनकर तैयार हो गई है और ये हो गई है। इसका हमें पता कैसे चलता है कि ये अपने आप ही पानी में ऊपर आ जाती है उठकर, बस उसके बाद हमें 2 मिनट इसे और पका देना है और बॉईल कर लेना है। देखिए सभी बढ़िया ये बन गई, मैंने इनको निकाल लिया है सबको क्योंकि अभी मुझे और भी बनानी है, तो इसी पानी में मैं और बड़ी तैयार कर लेती हूँ इसी तरीके से। यहाँ देखिए ये बाकी की और बढ़िया भी बनकर तैयार हो गई है, तो इनको भी निकाल लेते हैं और इस पानी को फेंकेंगे नहीं हम। अगर हमें सब्जी में जरूरत हुई तो उतना पानी हम सब्जी में डाल लेंगे, अदरवाइज फिर बाद में अगर बच जाता है तो हम इससे आटा भी गूंथ सकते हैं, तो मूंग दाल का टेस्ट आएगा रोटी में अलग ही। पूड़ी बनाना चाहे तो हम पूड़ी का भी आटा इससे गूंथ सकते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स मैंने 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है और अब हम इसमें पहले पालक, ये पालक को आप देखिए मैंने इस तरीके से बिल्कुल बारीक कट कर लिया है, 1/2 किलो पालक मैंने लिया है और इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है साफ करके। तो इसी तरीके से हमें पालक साफ कर लेना है और 3 मैंने टमाटर लिए हैं मीडियम साइज के, इनको भी मैंने कट करके, 1 मैंने इसके अंदर हरी मिर्च को कट किया है बड़ी। तो अब हम इसके अंदर पहले जीरा डाल देते हैं, तेल गरम हो गया और इसमें डालते हैं टमाटर, इसमें हम पहले सभी मसाले इसमें ऐड कर देते हैं। तो 1/4 टेबल स्पून में डाल रही हूँ हल्दी, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून में ले रही हूँ लाल मिर्च और 1/2 टेबल स्पून में ले रही हूँ इसमें नमक, क्योंकि नमक हमारा बड़ी में तो 1/4 टेबल स्पून हमने डाला ही था, ये हमें बाकी सब्जी के हिसाब से नमक इसमें डालना है। 2 मिनट हम टमाटर को पकाकर और इसके अंदर हम डाल देंगे पालक। पालक को हम खुला ही पकाएंगे क्योंकि हमें बहुत सारा पानी नहीं करना, मैंने बताया था सब्जी में, तो अगर बहुत ज़्यादा ढक के बनाएंगे तो पालक में से भी पानी निकल जाता है, बहुत जल्दी बन जाती है। चांस की बात है कि आज मेरे को याद भी रहा और मेरे पास टाइम भी था तो मैंने सुबह इसको भिगो दिया दाल को 2 घंटे के लिए। अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो और भी कम टाइम में हम इसको कैसे बना सकते हैं कि हम गर्म पानी करके दाल को भिगो दें 10 मिनट के लिए, बस उतना ही काफ़ी होगा। मूंग की दाल बहुत जल्दी भीग जाती है अगर हम उबलते हुए पानी के अंदर इसको 10 मिनट के लिए भिगो देंगे,
तो वही बहुत होगा। फ्रेंड्स आप एक बार इसे जरूर ट्राई करिएगा। मैंने सभी पालक इसमें डाल दिए हैं और इसको 2 मिनट हम ऐसे ही खुला पका लेते हैं। देखिए ये तो एकदम ही हो जाता है। सिर्फ हमें बड़ी बनानी है तो हम डायरेक्टली ऐसे मसाला छौंक कर बिना टमाटर के सीधा बस मसाला छौंक कर उसमें जितना पानी हमें डालना है वो डाला और जैसे ही पानी बॉईल होने लगे उसके अंदर हम सीधी बड़ी बना सकते हैं। देखिए निकल गया ना, इसमें से भी पानी निकल जाता है। तो हम बस फुल फ्लेम पर इसको थोड़ा सा पका लेते हैं, फिर हम इसमें ऐड करेंगे हमारी तुरंत बड़ी। देखिए 2 मिनट हो गए हैं, पालक से ही देखिए कितना पानी निकल गया है, इसीलिए हमने बड़ी को अलग निकाल लिया था, पानी उसमें नहीं रखा था। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं बड़ी। हल्के हाथ से चलाएंगे ताकि टूटे नहीं बढ़िया। किस तरीके की है मैं आपको दिखाऊं कट करके, आप देख पा रहे होंगे इसमें देखिए कितनी सॉफ्ट और ये अंदर तक पूरी सिक गई है, यही इसकी पहचान है। देखिए बड़ी बिल्कुल अंदर तक सिक गई है। अब जो पानी बचा था हमें इसमें डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिल्कुल सही है, ये सब्जी ऐसी ही बनती है लुटपुटी सी, बिल्कुल ना पानी ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए एकदम। तो हमारी तुरंत बड़ी और पालक की सब्जी तैयार है। अब आप भी खिलाइएगा बनाकर, तो सब सोचेंगे ये तुरंत बड़ी कैसे बनती है क्योंकि बड़ी बनाने में तो बहुत टाइम लगता है, पहले उसे बनाओ पीसो सुखाओ और उसके बाद हम बड़ी की सब्जी बनाते हैं पालक के साथ, वो भी ऐसी बनती है और ये तुरंत बड़ी की सब्जी भी ऐसी बनती है। तो दोस्तों तुरंत बड़ी और पालक की सब्जी तैयार है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा बटर, आप चाहें तो इसमें देसी घी भी ऊपर से डाल सकते हैं, खाने के टेस्ट को और भी बढ़ा ही देता है वो और इस सब्जी में बहुत ही अच्छा लगता है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अब देखिए ये इसका जो पानी बचा है हम क्या करेंगे, मैं इससे आटा गूंदूंगी। अब ये ठंडा हो गया है, पानी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी और ज़्यादा डालने की, पालक के साथ बनाते हैं तब हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर हम वैसे खाली बड़ी बना रहे होते तो हम इसी पानी को यूज़ कर लेते। तो फ्रेंड्स आप भी बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि इसका टेस्ट आपके लिए कैसा रहा, और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा मेरा चैनल।